हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि आप अपना जीसीके अकाउंट खुद कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, जीसीके अकाउंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू वांट टू अप्लाई पीआर बाय योर ओन। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू आप अपना जीसीके अकाउंट खुद कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज जीसीके? जीसीके इज अ गवर्नमेंट कैनेडाज ऑनलाइन सर्विसेज साइट। तो आपको जो भी ऑनलाइन करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू अप्लाई पीआर, यू वॉन्ट टू अप्लाई वर्क परमिट, यू वॉन्ट टू डू वॉट एवर इन गवर्नमेंट कैनेडाज ऑनलाइन सर्विसेज, तो आपको उसके लिए जीसीके यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी खुद ही बनाने पड़ेंगे कि आपको क्या सिक्योरिटी क्वेश्चंस चाहिए, तो वो मैंने आपको इस ब्लॉग में समझाया है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या है जीसीके एंड कैसे बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि आप अपना पीआर खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू दिस जीसीके अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग योर जीसीके अकाउंट आप खुद कैसे अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, प्लीज लाइक करिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट गो इनटू द आईआरसीटीसी लिंक। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन गो इनटू डोंट हैव एन अकाउंट एंड रजिस्टर। देन गो इनटू रजिस्टर विद जीसीके। फिर जाइए साइन अप पे एंड डू आई एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको अपना क्रिएट योर यूज़र नेम, आपको अपना यूज़र नेम बनाना है आपके अकॉर्डिंग। सो यूज़र नेम की चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। इट शुड बी 8 to 16 कैरेक्टर्स। इट शुड बी नो स्पेशल कैरेक्टर्स। इट शुड बी नो मोर देन 7 डिजिट्स। ओके, फिर वो करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की भी चेकलिस्ट देख कर फिर बनाइए। 8 to 16 कैरेक्टर्स, डज नॉट कंटेन 3 कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स फ्रॉम योर यूज़र नेम, वैलिड कैरेक्टर्स, लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर, डिजिट्स एंड पासवर्ड मैच। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। देन डू कंटिन्यू। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आप कभी अगर अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो फर्स्ट रिकवरी क्वेश्चन इज व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट्स नेम। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट माई मेमोरेबल पर्सन। तो उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। मेक श्योर आप हिंट करेक्ट लिखिए, जो आप याद रख सकते हैं। मेमोरेबल डेट आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग वो उसमें भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस में। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग अपना फिलअप करना है और मेक श्योर कि आप ये पेज जो भी है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यू कैन राइट इट समवेयर कि भाई आपका क्या आंसर्स थे, बिकॉज दिस इज़ द प्रूफ दैट आप कभी कर अपने पासवर्ड भूल गए। तो जब आप वापस लॉगिन करना चाहेंगे एंड यू विल से फॉरगेट पासवर्ड, तो आपको अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट देने रहेंगे। सो मेरा भी जैसे मैंने बताया, यूज़र नेम मैंने बना दिया है। अब इसी से हम लॉगिन करके पोर्टल में जाएंगे एंड वहाँ देखेंगे कि वहाँ कैसे क्या प्रोसीजर है। सो वी वेंट इन टू साइन इन विद द जीसीके। तो हम साइन इन में जाकर जो यूज़र नेम है वो करने के बाद पासवर्ड लिख रहे हैं। तो हमने पासवर्ड लिख दिया है। सो नाउ कंटिन्यू। यहाँ पे आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपको आई एक्सेप्ट करना है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में आपकी डिटेल्स लिखनी है, जो आपका गिवन नेम है। एज पर पासपोर्ट यू हैव टू राइट, दैट मीन्स आपके पासपोर्ट में जैसे आपका गिवन नेम दिया है विथ योर मिडल नेम, तो वो आपको गिवन नेम में लिखना है। फिर आपको आपका लास्ट नेम लिखना है एज पर योर पासपोर्ट। देन राइट योर ईमेल एड्रेस। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। मैं सिर्फ ही आपको दिखाने के लिए लिख के बता रही हूँ, आपको अपना लिखना है।
मेक श्योर यू राइट योर ईमेल आईडी करेक्ट, बिकॉज उसी पे आपके IRCC के सारे ईमेल्स उसी पर आएंगे। जब भी कोई अपडेट होगी सो यू विल गेट एन अपडेट एन ईमेल ऑन योर ईमेल आईडी। सो हमने वो कर दिया प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश करके। नाउ यू हैव टू राइट योर ओन सिक्योरिटी क्वेश्चंस हियर। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे डिसाइड करने हैं। तो मैंने फर्स्ट लिखा है व्हाट इज़ माय नेम। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हैं XYZ। सेकेंड सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कुछ भी लिख कर, बट मेक श्योर ये सब चीज़ें आप कहीं लिख लें या प्रिंट कर लें बिकॉज आपके लिए है ये चीज़ें। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। फिर ऐसे हमें 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग बनाइए सारा। सो दिस इज़ जस्ट अ GC की पोर्टल। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि ये GC की पोर्टल में से आप अपना PR कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल में आपने जब बना लिया एंड फिर आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई PR फ्रॉम इंडिया तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस हमने पोर्टल बना लिया है। सो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपकी कोई एप्लीकेशन होगी तो अपडेट एप्लीकेशन टाइप और ये सब जगह पे आएगी। ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा व्लॉग हेल्पफुल रहे। एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी कि आप अपना खुद का PR कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू दिस पोर्टल। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर। बाय बाय।